हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे इस वैकेंसीज की डिटेल के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो देखिए, अगर आप यूट्यूब में चैनल देखेंगे तो आपको डायल करना है, आपको सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब ट्रेलर। जैसे ही आप दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब ट्रेलर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मैं नीट से रिलेटेड, सीएसआई जेआरएफ नेट से रिलेटेड या आपके एमएससी या बीएससी रिलेटेड जो कंटेंट वो अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जितनी जो भी साइंस से रिलेटेड, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी हो, चाहे वो प्रोजेक्ट वैकेंसीज हो, चाहे वो आपका साइंटिस्ट रिलेटेड वैकेंसी हो, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे जो है रेगुलर वीडियो डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप जो है सीएसआई जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, गेट या किसी बीएससी एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए रिलेटेड मैं बायोलॉजी से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसे भी मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो जॉब से रिलेटेड वे कंटेंट है उसको भी आप मेरे चैनल पे पा सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस टाइप की कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया ये आया पुष्पक महाविद्यालय से, जो कि नागपुर में सिचुएटेड है। यहाँ पे देखिए सोसाइटी जो है वो अश्विनी मल्टीपर्पज़ सोसाइटी नागपुर है। तो देखिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट इन्होंने मैंशन कर रखे, चाहे वो हिस्ट्री हो, जोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, माइक्रोबायोलॉजी, लाइब्रेरियन, डायरेक्टर, फिजिकल एजुकेशन, तो इन सारे सब्जेक्ट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ पोस्ट है फुल टाइम है और जो नेचर ऑफ वैकेंसियाँ दे रखा है और साथ ही साथ जो कैटेगरी है वो ओपन वन है, यानी सारी जो आपकी जो भी यहाँ पे लाइक पोस्ट है वो सारी आपकी जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व में है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए आप जो है यहाँ पे अगर आप बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल जो रहेगा वो आपका एज पर यूजीसी इन स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे आपका ए और बी दो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ए में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट। इसके अलावा आपका नेट भी क्लियर हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी अपना जो है वो 2009 से पहले अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपका पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट्स हैज बिन अवार्डेड इन रेगुलर मेरिट, यानी कि आपका पीएचडी डिग्री जो है वो रेगुलर मेरिट में मोड में होना चाहिए और आपका पीएचडी थीसिस को एटलीस्ट दो लोग ने, जो एग्जामिनर्स ने आपका इवेलुएट किया होना चाहिए, आपका ओपन पीएचडी बाय वॉयस हुआ होना चाहिए और आपके मिनिमम टू रिसर्च पेपर होने चाहिए फ्रॉम हिज हर पीएचडी वर्क। ठीक है, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी जो अपना फॉरेन से किया है, तो जहाँ से आपने पीएचडी डिग्री किया है वो यूनिवर्सिटी जो है वो अंडर 500 रैंकिंग में आनी चाहिए। तो जब यहाँ पे देखिए रैंकिंग मेंशन कर रखा है क्यूएस रैंकिंग, डा रैंकिंग या डब्ल्यूयू रैंकिंग। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने जो पीएचडी फॉरेन से किया है तो वो अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है तब आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी लाइक नेट का कोई भी यहाँ पे रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको दिया गया 5% अगर आप एससी या एसटी या डिफरेंशली एबल्ड हैं तो यहाँ पे जो है आपको ये 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कास्ट में जो भी आपका एससी एसटी ओबीसी या आपका फिजिकली एबल्ड में आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हम देख लें तो देखिए यहाँ पे अगर आप फिजिकल एजुकेशन में अगर आप जो है फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर या टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लाइक फिजिकल टेस्ट डिपेंशन कर रखे हैं, जैसे कि नॉर्म्स फॉर रन और ब्लिक वॉक टेस्ट, यानी मेंस का वुमेन्स का। ठीक है, तो सबका यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप अगर अप टू 30 ईयर्स, अप टू 40 ईयर, यानी जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इन्होंने जो है नॉर्मल रन या वॉक टेस्ट मेंशन कर रखा है। तो ये सारा आपको क्लियर करना पड़ेगा। और हम बात करें लास्ट डेट की, तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 20 सितंबर है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपके प्ले आपको अपना सीवी या प्लेन पेपर या प्रेस्क्राइब फॉर्म परफॉर्मा जो आपको मिलेगा उसके साथ आपको अपना सीवी और आपका जो भी लाइक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका सीएसआईआर नेट का जो सर्टिफिकेट या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो सारा आपको भेज देना है प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर पुष्पक महाविद्यालय गिरादर लेआउट बाई पोस्ट रोड टाल उमरेद डिस्ट्रिक्ट नागपुर 4410। तो ये एड्रेस में मेंशन कर रखा है, तो आपको यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर दें। ठीक है, तो लास्ट डेट 20 सितंबर, 20 सितंबर से पहले आपको जो है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको यहाँ पे सेंड करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।